अब हम आ रहे हैं रिवीजन पे। आ जाइए रिवीजन किसका, सप्लाई चेन मैनेजमेंट वगैरह का। इसका रिवीजन रह गया था, तेजी से देखेंगे क्या है रिवीजन, कैसे था सप्लाई चेन मैनेजमेंट। बहुत ही सिंपल टॉपिक था सप्लाई चेन मैनेजमेंट। मैंने आपको वॉलमार्ट की केस स्टडी कराई थी, इफ़ यू रिमेम्बर, और बहुत डिटेल में हमने सप्लाई चेन मैनेजमेंट को समझा था। तो देखिए सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या होता है। बेसिकली हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले तो ये समझना है कि हमारी जो एक पूरी चेन है उसमें कई लिंक होते हैं, एक पर्टिकुलर लिंक नहीं होता। हमारी पूरी चेन में कई लोग हैं जो जुड़े हुए हैं, और वो सब मिलके हमारा फाइनल प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने में हमारी मदद करते हैं। सीधा रॉ मटेरियल जब कस्टमर के पास पहुंचेगा तो उसके लिए कोई वर्थ नहीं है। आप उसको लैपटॉप बना के दे रहे हो, आप उसको खाना बना के दे रहे हो, आप कुछ भी बना के दे रहे हो, तो वर्थ ही है। तो ये बना कैसे, इस पूरी चेन को समझना पड़ेगा। रॉ मटेरियल सप्लायर ने खरीदा, सप्लायर ने मैन्युफैक्चरर को दिया, मैन्युफैक्चरर ने मैन्युफैक्चर किया, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट किया, उसके बाद रिटेल स्टोर पर गया, फिर कस्टमर के पास गया। तो ये पूरी चेन है। इस चेन को बहुत अच्छे से ग्लोबल सप्लाई चेन मैनेजमेंट फोरम ने बहुत अच्छे से समझाया, और उन्होंने 8 एक्टिविटीज़ डिफाइन की जो आपकी स्टडी मटेरियल में भी हैं। मैं 1 मिनट खोल लूँ आपके स्टडी मटेरियल को। जस्ट अ सेकेंड। पार्टनर देखिए, आपको ग्लोबल सप्लाई चेन फोरम ने 8 एक्टिविटीज लिख के दी, 8 एक्टिविटीज, और उन्हीं को हम डिटेल में समझने जा रहे हैं कि क्या ये एक्टिविटीज़ थी। इसमें सिर्फ रिटर्न मैनेजमेंट जो होता है वो रिवर्स होता है, कस्टमर टू अस होता है, अदरवाइज सब चीज़ जो होती है हम लोग कस्टमर को प्रोवाइड कर रहे होते हैं, इसको फॉरवर्ड फ्लो होता है। तो आपने कहा कि सर कई तरीके के सप्लायर होते हैं, टीयर 2, टीयर 1, फिर हम मैन्युफैक्चर करते हैं, कई सारे हमारे डिपार्टमेंट होते हैं, फिर कस्टमर के पास जाता है। तो इन सब चीज़ों को समझने के लिए हमने समझा कि इन एक्टिविटीज़ को ध्यान से देखा जाए। पहली एक्टिविटी थी कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, मैंने आपको समझाया था। ये कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट जो है वो बहुत बड़ी एक्टिविटी है। इसके अंदर हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार कस्टमर का बिहेवियर पैटर्न कैसे है, कस्टमर किस तरीके से बिहेव करता है, क्या कस्टमर चाहता है, जिसकी वजह से कस्टमर खिंचा चला आता है। अब जैसे एक सिंपल सा एग्जाम्पल है, जब तक आपको, देखो बात समझना, जब तक आपको कस्टमर का बिहेवियर समझ में नहीं आएगा आप कुछ नहीं कर सकते। रेड बस का एग्जाम्पल सबने देखा है। रेड बस कैसे चली, एक हैदराबाद का इंजीनियर था, आई फॉरगॉट हिज नेम, उस पर्सन ने किया क्या ऐसा कि रेड बस चल पड़ी। बाद में उसको गोआईबीबो ने खरीद लिया, लेकिन चली कैसे, दैट वॉज द क्वेश्चन। हुआ ये, बहुत अच्छी खासी लंबी चौड़ी स्टोरी है, मैं बिल्कुल ब्रीफ करके एक पॉइंट पे आ रहा हूं। हमारे रेड बस वाले पर्सन जो थे उन्होंने, वो परेशान हो रहे थे, उन्हें दिवाली पे घर जाना था, ही वॉज अनेबल टू गो होम। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने काफ़ी ट्रैवल एजेंट से बात की, और ही वॉज अनेबल टू फाइंड अ बस टू गो होम। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कैसे करें, उन्हें कस्टमर की परेशानी समझ में आई, उन्होंने उसके लिए एक NGO टाइप एक प्रोग्राम सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किया, कोड किया। लेकिन अभी भी जो बस ओनर थे या ट्रैवल एजेंट्स थे, दे वर अनेबल, दे वर नॉट विलिंग टू बाय देयर सॉफ्टवेयर, द पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर, और वो खुश नहीं थे। वो कहते हैं कि यार व्हाई शैल आई स्पेंड, व्हाई शैल वी स्पेंड 25,000 और 20,000 रुपीज़ ऑन ए सॉफ्टवेयर
वी डोंट फाइंड एनी लॉजिक इन डूइंग दैट. जब हमारा फ़ोन पर ही काम चल जाता है, हम 10 फोन बसेस वालों को मिलाते हैं कि तुम्हारे पास जगह है, तुम्हारे पास जगह है, तुम्हारे पास जगह है, तो हमें पता चल जाता है. तो वो समझ रहा था कि यार अल्टीमेटली सीट्स फिर भी खाली जाती हैं. उसने देखा था कि बस में खाली जाती हैं क्योंकि ट्रैवल एजेंट सारी बसेस को नहीं कॉन्टैक्ट कर सकते, उन्हें सारी बसेस का नहीं पता चलता. तो उसने कस्टमर की भी परेशानी समझी कि कस्टमर क्या चाहता है, कस्टमर क्या चाह रहा है. कस्टमर चाह रहा है कि यार अच्छा ब्लू, अगर माइक के चलिए वैकेंट सीट है ग्रीन दिखाई दे. कस्टमर की नीड्स को समझा, कस्टमर किस तरीके से बिहेव करता है, कस्टमर कितनी बार जाता है, क्या करता है. उसने कस्टमर के बिहेवियर को एनालाइज करना शुरू किया और उसके अकॉर्डिंगली अपना सॉफ्टवेयर डिवाइस किया. जब उसने उसके अकॉर्डिंगली डिवाइस किया तो सारे कस्टमर्स की नीड फुलफिल हो रही थी, सारे कस्टमर्स की नीड फुलफिल हो रही थी. तो दौड़ के झक मार के वही ट्रैवल एजेंट जो मना कर रहे थे कि हम तुमसे नहीं खरीदेंगे, अल्टीमेटली वो उनसे खरीदने आए. क्यों? क्योंकि उसने पहले शुरुआत में तो फ़ोन बेस पर ही रखा था, कस्टमर के बिहेवियर को समझते हुए उसने फ़ोन बेस पर ही रखा था, लेकिन डायरेक्टली बस वालों के साथ करना शुरू कर दिया था. उसको समझ में आना शुरू हो गया कि कस्टमर का बिहेवियर कैसा है. तो जब तक हम कस्टमर के साथ रिलेशनशिप मैनेज नहीं करेंगे, हमें समझ में नहीं आएगा कि अल्टीमेटली हमारा बिजनेस कैसे चले. दिस इज द बेस. मैं इसके आगे की केस स्टडी नहीं समझा रहा, आप गूगल कर सकते हैं, बहुत अच्छी डिटेल है, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या हुआ था रियल में. लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि कस्टमर कैसे खिंचा चला है, कस्टमर की नीड्स क्या है, व्हाट डज कस्टमर वांट. अब जैसे आप साउथ इंडिया में रहते हैं, वहां हॉकी कम चलती है. हॉकी जनरली पंजाब में देखी जाती है, हरियाणा वगैरह में देखी जाती है. आई एम नॉट सेइंग कि वहाँ चलती नहीं है, साउथ में चलती है, लेकिन जनरली हरियाणा साइड पंजाब साइड हॉकी ज़्यादा है. अब नाइकी अगर है, अगर उसको कस्टमर का बिहेवियर समझना है, तो साउथ इंडिया में जो गेम्स चल रहे हैं वो उस पर फोकस करेगा. हमारे ईस्ट इंडिया में अगर आपको पता हो, फुटबॉल का काफ़ी क्रेज है. तो नाइकी वहाँ के जो बिहेवियर है उसको समझते हुए वहाँ के कस्टमर्स की नीड को फुलफिल करेगा. तो कस्टमर के रिलेशनशिप को बहुत अच्छे से मैनेज करना है. अब देखो, नाइकी ही वहाँ सप्लाई कर रहा है, क्या कहते हैं, ईस्ट में, नाइकी ही नॉर्थ में सप्लाई कर रहा है, लेकिन दोनों का बिहेवियर अलग है. बात समझ रहे हैं आप? दोनों का बिहेवियर अलग है कस्टमर्स का. तो कस्टमर के रिलेशनशिप को समझना पड़ेगा, कस्टमर कैसे आता है, कौन सा कस्टमर किस तरीके से अट्रैक्ट होता है, एंड दिस इज कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट. नेक्स्ट है, ये तो हमें समझ में आ गया कि कस्टमर की लॉयल्टी कैसे आएगी, ऑब्वियसली कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट से. ये सारी चीज कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट की एनालिसिस थी, इतनी डिटेल आपको समझने की जरूरत नहीं है. अगला है कस्टमर सपोर्ट. अब ऑब्वियसली बात है, ये फेस है हमारा ऑर्गेनाइजेशन का कस्टमर के लिए. ये वन पॉइंट कॉन्टैक्ट है जिससे कस्टमर कॉन्टैक्ट करता है. कस्टमर को खुशी मिलती है जब वो इससे कांटेक्ट करता है. वो कहता है अच्छा यही तो चाहिए था मुझे, इतने दिन से मैं इसी का तो तलाश कर रहा था कि भैया मैं किससे बात करूं. आप समझिए, आपको अगर एक पर्सन मिल जाता है जिससे आप बात कर सकते हैं, बड़े फील करते हैं रिलैक्स, तो आपने का चाहे वो मेल हो, चाहे ईमेल हो, चाहे फ़ोन हो, चाहे चैट हो, चाहे कैसे भी, आप किस तरीके से इंटरेक्ट कर रहे हैं कस्टमर के साथ, वो यहाँ से ही अपनी सारी क्वेरीज दूर करेगा. जैसे अगर उसको कोई चीज़, मान के चलिए कोई कस्टमर है और उसको समझ में नहीं आ रहा कि मेरे गुड्स कब डिलीवर होंगे, वो यहाँ पूछेगा. सो कस्टमर सपोर्ट इज़ वेरी असेंशियल पार्ट. तो हम एट फ्रेमवर्क समझ रहे हैं, 7-8 जो भी हैं, जो ग्लोबल सप्लाई चेन फ्रेमवर्क ने दिए थे. अगला है, आपने कहा कि सर कैपेसिटी डिमांड मैनेजमेंट, मतलब ये समझना कि मेरी कैपेसिटी कितनी है और मैं उस डिमांड को फुलफिल करने लायक हूँ या नहीं. अगर मेरी कैपेसिटी कम है, मेरे पास रिसोर्सेज की कमी है, तो उनको अरेंज कराना टाइमली बेसिस पे ताकि मैं कस्टमर की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकूँ. नेक्स्ट है, आपने कहा कि सर ऑर्डर फुलफिलमेंट, जब ऑर्डर आए तो हमारे लॉजिस्टिक्स इतने अच्छे होने चाहिए कि कस्टमर के ऑर्डर्स को हम टाइमली बेस पे फुलफिल कर पाए. ये ना हो कि हम कहें यार हमें गुड्स नहीं मिल रहे, हम कहें लॉजिस्टिक्स ने खो दिए. नहीं, हमें टाइमली डिलीवर करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. कस्टमर का ऑर्डर आए, हमारी इन्वेंट्री प्रॉपर अपडेट हो, जिससे हमें समझ में आ जाए कि किस इन्वेंट्री, मतलब किस यूनिट पे हमारे पास गुड्स पड़े हैं और हम टाइमली बेस पे ऑर्डर फुलफिल कर सकें.
मैन्युफैक्चरिंग फ्लो मैनेजमेंट। और बात समझिए, हमारा मैन्युफैक्चरिंग का फ्लो बहुत सही होना चाहिए, वो थ्रोपुट के चक्कर में दिक्कत में नहीं आना चाहिए। ये सिचुएशन ना हो कि थ्रोपुट वगैरह की वजह से हमारे गुड्स डिलीवर ही नहीं हो पाए, गुड्स प्रोड्यूस ही नहीं हो पाए। आपने कैपेसिटी तो बढ़ा दी, आपने सब कुछ कर दिया, लेकिन एक पर्टिकुलर मशीन थ्रोपुट बन गई। एक मशीन पे आपने कहा मेरे पास रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं, तो आपका मैन्युफैक्चरिंग फ्लो जो है ना वो प्रॉपर होना चाहिए। ये नहीं कि फालतू की चीज़ों के चक्कर में आप मैन्युफैक्चर ही नहीं कर पाए तो ऑर्डर कैसे फुलफिल करोगे। तो मैन्युफैक्चरिंग बड़ा इंपॉर्टेंट रोल करता है। अगला है सप्लायर के साथ रिलेशनशिप मैनेजमेंट। देखो, जैसे कस्टमर के साथ रिलेशनशिप मैनेज करना बड़ा ज़रूरी है, वैसे सप्लायर के लिए बड़ा ज़रूरी है। क्यों? आपने कहा सप्लायर इज़ आर पार्टनर, बिजनेस पार्टनर होता है सप्लायर, उसको बहुत सारी चीज़ें पता होती हैं जो हमें नहीं पता। तो अगर हम उसके साथ अपने आप को डील करेंगे, हम अपना बिहेवियर उसको समझाएंगे, हम अपनी सारी चीज़ें समझाएंगे, उसके बिहेवियर को समझेंगे, कैसे मार्केट में चेंजेस आ रहे हैं, वो क्योंकि बहुत सारे अलग क्लाइंट्स को भी डील कर रहा है, वो हमें गाइड करेगा कैसे हम अपनी कॉस्ट कट कर सकते हैं, कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं। मैंने आपको अमेजोन और कईयों का एग्जाम्पल दिया था जिसने मेरे को गाइड किया, और इंडीड जैसे मैंने रिजर्व इंस्टेंस वगैरह का एग्जाम्पल दिया था, और इंडीड मैं अपनी कॉस्ट रिड्यूस कर रहा हूँ, माइक्रोसॉफ्ट ने मेरे को हेल्प की। ठीक है, दे आर पार्टनर, दे आर बेसिकली व्हाट, दे आर प्लगिंग, दे आर बेसिकली हम दोनों मिलके कुछ काम होता है, अकेले कुछ नहीं होता। सप्लायर के साथ रिलेशनशिप बहुत ज़रूरी है। अच्छा, प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड कॉमर्शलाइजेशन, टाइम पे प्रोडक्ट बनाना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने टाइम पे गुड्स प्रोड्यूस करके मार्केट नहीं किए, और मार्केट तब किए जब मार्केट जा चुका था, तो क्या फ़ायदा किया। मैं ये नहीं कह रहा कि आप अर्ली मूवर बनिए, मैं ये कह रहा हूँ टाइमली आप प्रोडक्ट को लॉन्च करिए, जो मार्केट की नीड्स हैं उसको टाइमली फुलफिल करिए। ये नहीं कि जब सब कुछ ख़त्म हो गया उसके बाद आप ला रहे हैं। लैगर्स के पीछे मत पड़िए प्रोडक्ट लाने के लिए, रेदर अर्ली मूवर्स के पास जाइए, इनोवेटर्स के पास जाइए जो चाहते हैं, समझे। अडेप्टेबिलिटी कर्व समझिए, इसको कहते हैं अडेप्टेबिलिटी कर्व समझना। रिटर्न मैनेजमेंट, कस्टमर को एक बात समझ में आनी चाहिए कि रिवर्स लॉजिस्टिक रिटर्न मैनेजमेंट वगैरह कैसे है। अगर कोई गुड्स सही नहीं निकलते तो किस तरीके से हम डील करें, क्या प्रॉब्लम हमारे साथ अगर है तो हम किस तरीके से रिजॉल्व होगी, एक एक चीज़ कस्टमर को क्लियर होनी चाहिए ताकि कस्टमर प्रॉब्लम ना फेस करे। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन सप्लाई चेन मैनेजमेंट। तो ये चीज़ें थी सप्लाई चेन मैनेजमेंट की एज पर ग्लोबल सप्लाई चेन फोरम। अब इन प्रोसेसेस को हमने समझ लिया तो सप्लाई हमारे को इंस्टीट्यूट कहता है कि देखो दोनों तरीके की सप्लाई चेन फोरम को सप्लाई चेन्स को समझाइए, अपफ्लो डायरेक्शन में भी और डाउनस्ट्रीम में भी। अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम दोनों में समझाइएगा फ्लो, लेकिन याद रखिए हमें टेक्नोलॉजी बेस पे समझाना है, ना कि आपका पुराने तरीके का। मतलब है तो पुराने तरीके का भी, लेकिन इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल ने टोटल जो फॉलो किया वो अगर आप नोटिस करें, वो अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम जो कुछ भी फॉलो किया, प्लीज़ नोटिस करिएगा, वो सारा उन्होंने टेक्नोलॉजी बेस लेते हुए चला, नॉन टेक्नोलॉजी बेस उन्होंने नहीं लिया, मैं ये कहूँगा। जैसे अगर आप यहाँ पे देखिए ई परचेज, ई सोर्सिंग, ई पेमेंट, तो पर्टिकुलरली वो ऑनलाइन पे हैं। वो कह रहे हैं कि आगे की दुनिया देखो, ठीक है, ऐसा नहीं है कि ट्रेडिशनल नहीं है, मंडियाँ ख़त्म हो गई दुनिया में, काम नहीं हो रहे, सब कुछ हो रहा है, लेकिन इंस्टीट्यूट कहता है हमसे कि हमें फ्यूचरिस्टिक होना है, और हमें इसीलिए ACCA का फॉलो करते हुए यहाँ पे इंस्टीट्यूट ने ACCA को फॉलो किया और ई बेस पे चले। मैं आपको समझाता हूँ कैसे होता है। मैंने आपको बताया भी था पेज 2.30 पे इंस्टीट्यूट ने गलती से डाउनस्ट्रीम की जगह अपस्ट्रीम होना चाहिए था, डाउनस्ट्रीम लिख दिया था, यहाँ पे अपस्ट्रीम होना चाहिए था, ठीक है ना, यहाँ पे अपस्ट्रीम होना चाहिए था। तो देखिए दो तरीके के सिस्टम होते हैं सप्लाई चेन में, कौन कौन से, पुल और पुश। पुश क्या कहता है, पुश का मैंने एग्जांपल दिया था HP वगैरह का, और पुल का एग्जांपल दिया था डेल वगैरह का। मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स दिए थे पुश के, पुल के, वैसे तो जैसे मैंने आपको बोला था पिज्जा, बर्गर। अच्छा, दो तरीके के रेस्टोरेंट्स होते हैं, आपको शायद पता होगा, क्विक सर्विस रेस्टोरेंट एंड फुल सर्विस रेस्टोरेंट। अब जब क्विक सर्विस रेस्टोरेंट में जाते हैं, जैसे पिज्जा, डोमिनोज भी नहीं,
बर्गर के, मैकडॉनल्ड्स वगैरह, आपको 2 मिनट में बर्गर मिल जाता है। जबकि आप किसी अच्छे रेस्टोरेंट पे अगर जाके बैठे, इट्स इम्पॉसिबल टू प्रोड्यूस अ बर्गर इन 2 मिनट्स। हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। मैं इसको पूरे कॉन्सेप्ट को सिखाऊंगा, मैकडॉनलाइजेशन इसको कहते हैं। दिस इज कवर्ड इन योर सिलेबस इन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। ये न्यू कोर्स में स्पेशली इंट्रोड्यूस किया गया था मैकडॉनलाइजेशन। कई लोगों को पता नहीं, मैं आपको बता दूं, दिस इज स्पेशली इंट्रोड्यूस्ड इन न्यू कोर्स, आपको स्टडी मटेरियल में भी है। तो ये क्या कहता है, ये बेसिकली कहता है कि बड़ी जल्दी सर्विस कर देते हैं, बहुत आसानी से, बहुत टाइमली बेस पे हम डिलीवर कर देते हैं गुड्स। लेकिन अगर आप सोचें, कुछ ऐसा नहीं लगता आपको जब आप मैकडॉनल्ड्स में गए, सब कुछ पहले से रेडी है, उसने सिर्फ आपको पकड़ा दिया गर्म करके। सोचना आराम से, दिस इज अ काइंड ऑफ पुश सिस्टम वेयर इन्वेंट्री वॉज ऑलरेडी रेडी। समझ गए, इन्वेंट्री वॉज ऑलरेडी रेडी। इसमें रिस्क क्या है, ऑर्डर नहीं आए उतने तो गुड्स बेकार हो जाएंगे। रिस्क क्या है, डिजायर्ड नंबर ऑफ ऑर्डर्स नहीं आए तो क्या होगा बताओ, सारा बेकार, क्योंकि इन्वेंट्री है, खराब हो जाएगी। वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टेड है उसमें, फंसी पड़ी है अच्छी खासी अमाउंट वर्किंग कैपिटल की। और दूसरा होता है पुल मॉडल। पुल मॉडल में हमने क्या समझा था, पुल में मैंने आपको समझाया था, आप गए अलाकाटे, मांगा आपने अलाकाटे में, आपने ऑर्डर किया कि अरे मेरे को ये चीज़ चाहिए, मेरे को पर्टिकुलरली ये स्पेसिफिकेशन चाहिए। जब आपने अलाकाटे किया तो आपने कहा अरे जो मुझे चाहिए, एग्जैक्टली वॉट एवर आई नीड इज बींग प्रोवाइडेड टू मी। नाउ आवर वर्ल्ड इज शिफ्टिंग फ्रॉम पुश सिस्टम टू पुल सिस्टम। हमारी दुनिया शिफ्ट हो रही है पुश से पुल पे, मानते होगे आप भी। और धीरे धीरे करके आप पाएंगे, विश्वास करिए, हर चीज पुश से पुल पे आ जाएगी। क्योंकि आदमी को कितनी सेटिस्फेक्शन मिलती है जब वो पुल करता है। मैं पुश और पुल का एक और एग्जांपल देता हूँ। D2H आपने सबने लगवाया होगा शायद, एक्सेप्ट कुछ मेरी तरह हों जिन्होंने D2H कटवा दिया, क्योंकि सारी चीज़ देखो, सारे न्यूज़ चैनल यूट्यूब पे आते हैं, फ्री में आते हैं, आपको पता होगा, फ्री स्ट्रीम देता है वो। और आपके नेटफ्लिक्स वगैरह लगवा लो तो सारी चीज़ हो जाती है पूरी। आप सोनी पिक्स वगैरह डाउनलोड कर लोगे तो आपको वो भी मिल जाएगा, क्या कहते हैं, गेम्स तो बचा ही नहीं कुछ, बताओ और क्या रह गया। हाँ, मेरे को एपिसोड्स हिंदी के पसंद नहीं आते, मैं वैसे तो एपिसोड्स हिंदी के भी नेटफ्लिक्स पे मिलते हैं सारे, लेकिन मैं प्रेफर करता हूँ इंग्लिश, शेरलॉक वगैरह, इसलिए मुझे ज़रूरत नहीं। एनी हाउ, आपने कहा कि सर पुल और पुश में क्या अंतर है। देखो, जब आप D2H लगवाते हो तो D2H में क्या होता है, आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। एक तो पूरा पैकेज, लो जी पकड़ लो, इतने पैसे दो, ये पूरा पैकेज, चाहे आपको पसंद हो ना पसंद हो, पता नहीं कौन कौन से कन्नड़ फन्नड़ चैनल आ रहे होते हैं। और दूसरा, अगर आप देखें ऐड आते हैं बाकायदा कि उतना ही पे करें जितना आपको रिक्वायर्ड हो। आपको स्पोर्ट्स चैनल चाहिए तो सिर्फ स्पोर्ट्स वाला पैकेज यूज़ करें, जो चैनल आप चाहेंगे उसी की पेमेंट करिए। दैट इज़ मोर सेटिस्फाइंग, क्योंकि मेरे को मतलब नहीं है, आई डोंट नो कन्नड़, मैं कन्नड़ के अगेंस्ट नहीं हूँ, कन्नड़ इज़ अ वेरी वंडरफुल लैंग्वेज, बट मुझे आती नहीं मैं उस चैनल को लेके करूँगा क्या। दैट इज़ माई पॉइंट। मुझे जो मेरे को जो पर्टिकुलर लैंग्वेज आती है मैं वही लैंग्वेज तो लूँगा। आई बिलीव एवरीबडी अंडरस्टूड मीन्स विल एग्री टू मी। बंगला मुझे नहीं आती, मैं बंगला क्यों लूँ। अगर मैंने प्लैटिनम, मेरे पास पहले वीडियोकॉन का लगा पड़ा था D2H, और सबसे हाई वाला शायद प्लैटिनम होता है, क्या होता है मुझे भी नहीं मालूम, मैं वो ले लेता था बिना देखे, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मेरे पास दिमाग लगाऊं। लेकिन मेरे एल्डर ब्रदर मेरे से यही कहते थे, कितने चैनल तूने ले रखे हैं, ढूंढते थक जाता हूं कौन सा चैनल चलाऊं, मुझे नहीं समझ में आता, तू मेरे को सिर्फ मेरे डिजायर्ड चैनल लेके दे, मेरे को उसमें ज़्यादा सेटिस्फैक्शन है, पैसे भी कम और सेटिस्फैक्शन। तो आप लोग कहेंगे हाँ सर बात तो सही है। दैट इज़ प्रिसाइसली द डिफरेंस बिटवीन पुल एंड पुश। पुश में हम लोग इन्वेंट्री पहले से रखते हैं ताकि गुड्स आए, ऑर्डर आए हम डिलीवर कर दें। पुल में जब ऑर्डर आएगा उसके बाद डिजायर्ड क्वांटिटी, हम वैसे पुल में भी फैक्ट ये है रियल लाइफ में बहुत मिनिमम अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री रखते हैं
तो जब ऑर्डर आता है वो पुल में निकल जाता है, बहुत आसान होता है पुल भी, ठीक है, वो चला जाता है पुल में। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन पुल एंड पुश। जैसे मैंने आपको डेल का एग्जांपल दिया था, दे प्रेफर टू हैव पुल सिस्टम। आप उनकी वेबसाइट पे जाइए, जो जो आप कॉन्फ़िगरेशन डालेंगे उन कॉन्फ़िगरेशन की चीज़ें वो आपको प्रोवाइड करेंगे उस लैपटॉप के अंदर। दिस इज़ देयर यूएसपी। मैंने इसके ऊपर प्रॉपर केस स्टडी भी डाल रखी है, आपको मालूम होगा जो टाइनी यूआरएल लिंक है उसमें प्रॉपर केस स्टडी है। इसके बाद हमने समझा था अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम। अपस्ट्रीम मतलब सप्लायर्स, डाउनस्ट्रीम मतलब बताओ कस्टमर। सिखाया था अपस्ट्रीम मतलब हमसे पहले कौन, सप्लायर्स, हमारे बाद कौन, कस्टमर। अब देखो जैसे मैंने आपको सिखाया था वाटर की स्ट्रीम फॉलो करती है, फ्लो होती है, तो अपस्ट्रीम मतलब पहाड़, डाउनस्ट्रीम मतलब समुद्र। तो बिल्कुल वैसे ही हमारा काम चल रहा है तो पीछे से आ रहा है, पीछे से कहाँ से आ रहा है, सप्लायर से। सप्लायर क्या कहलाएगा, अपस्ट्रीम, और डाउनस्ट्रीम क्या कहलाएगा, आपने का समुद्र मीन्स सी। सो अपस्ट्रीम में क्या होता है, आपने कहा कि सर अपस्ट्रीम में समझिए, हमारे को कहा हमें रिलेशनशिप मेंटेन करने है सप्लायर से, दैट आई ऑलरेडी टोल्ड यू। और दूसरा यूज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एक बात याद रखना, यूज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का मतलब ये नहीं है कि आप ये कहें कि सर मैं विदाउट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सप्लायर के साथ गुड्स नहीं ले सकता, मेरे को सप्लायर नहीं मिलेगा, मुझे मार्केट में अकल नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। मैंने आपको कहा हमारे स्टडी मटेरियल ने दो ही चीज़ें ली, एक तो रिलेशनशिप से सप्लायर और दूसरा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, क्योंकि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही है। अब इसमें आप देखिए ध्यान से, यहाँ तक जो उन्होंने सप्लायर रिलेशनशिप मैनेजमेंट है उसको उन्होंने ट्रेडिशनल वे से ही समझाया कि यार हमारे सप्लायर्स होते हैं, और जो भी सप्लायर्स होते हैं हमारे मल्टीपल सप्लायर्स होते हैं ट्रेडिशनल, चाहे वो मंडी के हिसाब से हों, चाहे आप कहीं से भी ले रहे हैं, आपने कहा सप्लायर सप्लायर। आपने कहा कि सर दूसरा है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में हमें मालूम है देयर आर थ्री पर्टिकुलर थिंग्स इन ई प्रोक्योरमेंट, ई सोर्सिंग, ई परचेज और ई पेमेंट। अच्छा एक बात सोचो, मेरे को मान के चलो एक क्या काम करना है, मुझे लेट अस से एक वेबसाइट बनानी है। अब मैंने कहा यार मैं कहाँ से सर्च करूँ, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, मैं कहाँ से पर्टिकुलरली इंजीनियर ढूँढूँ, मेरे को नहीं मालूम कहाँ ढूँढते हैं। आपको पता है, मुझे तो नहीं पता, आपको पता है। चलो तो मैंने सोचा एक काम करते हैं, ऐसे ही कुछ साइट्स होती हैं फीवर वगैरह, मैंने कहा ये क्या है, अरे फीवर, फ्रीलांस सर्विस मार्केट प्लेस फॉर, क्या नाम था इसका, देखिए जरा फिर से पढ़िएगा ध्यान से, फ्रीलांस सर्विसेज मार्केट प्लेस फॉर लीन एंटरप्रेन्योर। ओके क्या है भाई इसके अंदर, खोल के देखते हैं, इसके बहुत सारे कॉम्पिटिटर हैं, आप ढूंढिएगा मिलेंगे। अच्छा मेरे को जिसकी सर्विस चाहिए, लेट अस से मैं एनिमेशन बनवाना चाहता हूँ, लेट अस से ओके, तो इंट्रोडक्शन बनवाना चाहता हूँ, चलो इंट्रोडक्शन बनवा लेते हैं। मेरे को अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पे ईमेल आईडी वगैरह डालने को कह रहा है, और फिर मैं क्या करूँगा, यहाँ पे चूज़ करूँगा, पर्सन मिलेगा वो पैसे मांगेगा, और यहाँ पे जैसे मान लीजिए ये लोगो बनाने को कह रहा है, ये कह रहा है जी मैं लोगो बना के देता हूँ और मैं $10 लेता हूँ और वन डे में डिलीवरी देता हूँ, इसके 3 रिव्यू वगैरह भी हैं। तो मैंने कहा अरे यार ये बड़ा अच्छा है, मैंने क्या किया, ई क्या बोल क्या किया मैंने इसमें बताओ, इसमें मैंने क्या किया, ई सोर्स किया। अच्छा इसमें मैंने अगला क्या किया, ई परचेस, मैंने ऑनलाइन ही परचेस कर दिया, लो जी ऑर्डर भी ऑनलाइन कर दिया। पेमेंट, अब पेमेंट के लिए ऑप्शन क्या होता है, पेमेंट के लिए ऑप्शन मैं कैश ऑन डिलीवरी भी रख सकता हूँ, मैंने कहा चलो कैश ऑन डिलीवरी, लेकिन मैंने कहा ई पेमेंट, आजकल ई पेमेंट बहुत आसान हो गई है, UPI या फिर कार्ड। आपने कहा कि सर आपके NEFT वगैरह, तो मैंने ऑनलाइन पेमेंट भी कर दी। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, आपने कहा कि सर कैश वॉलेट से, कैसे भी मैंने पेमेंट कर दी। तो आपने कहा कि सर अल्टीमेटली मैंने यूज ऑफ टेक्नोलॉजी भी दिखा दिया यहाँ पे, किसके साथ, अपस्ट्रीम के साथ। अच्छा डाउनस्ट्रीम में क्या होता है, डाउनस्ट्रीम में आपने कहा एक तो देखो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट होता है, वो हम अभी सीखेंगे, थोड़ा बहुत तो सीखा था।
यूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हमें समझ में आ गया, सेम चीज़ जैसे हमने सप्लायर के साथ की वही चीज़ हम किसके साथ कर देंगे, कस्टमर के साथ, कि भाई तू कर ले मेरे साथ। अच्छा, नाउ इफ वी टॉक अबाउट रिलेशनशिप मार्केटिंग, व्हाट इज दिस, देर आर सिक्स काइंड ऑफ मार्केट मॉडल्स, छह मार्केट मॉडल थे। अच्छा, क्या क्या मार्केट मॉडल थे आपको याद होगा? छह मार्केट मॉडल थे। आपने कहा क्या क्या मार्केट मॉडल थे? मैंने कहा दोस्तों मार्केट मॉडल दिखाता हूं मैं आपको। हाँ जी, मार्केट मॉडल क्या थे, एक एक करके सामने आ जाएंगे ना सामने। हाँ, सामने एक ही पेज पे आ गए ना, वहां एक पेज पे नहीं थे इसलिए मैंने ऐसे खोला। चलो जी, पहला मार्केट देखें, पहला कौन सा लेके चलें, पहला ले लेते हैं चलो हम कस्टमर मार्केट। कस्टमर मार्केट क्या होता है, या इन्फ्लुएंस मार्केट लेते हैं पहले। चलो, इन्फ्लुएंस मार्केट का मतलब क्या है? आपने कहा कि सर इन्फ्लुएंस मार्केट का मीनिंग क्या है, इंटरनल लेंगे उसके बाद। इन्फ्लुएंस मार्केट का मतलब है, मान लो मैं एक कंपनी का ओनर हूँ मान लीजिए, और मुझे मालूम है कि यार ये मैगजीन बड़ी चलती है इंडिया टुडे लेटर से। अब मैं अगर इंडिया टुडे में जो भी पर्सन है, लेट अस अज्यूम राजदीप सरदेसाई या कोई भी, मुझे नहीं मालूम कौन अच्छा ऑथर है, मैंने कहा अगर इसने एक आर्टिकल लिख दिया ना मेरे उस पर, तो जितने लोग हैं मेरा प्रोडक्ट खरीदेंगे, पीपल विल गेट इन्फ्लुएंस्ड। सो आप ये सोचिए, हम लोग चाहे अमिताभ बच्चन के साथ लेके आऊं मैं आपको, चाहे सचिन तेंदुलकर के साथ, मैं कहूँ अगर सचिन तेंदुलकर अगर कभी मेरी क्लासेस के बारे में बोल दे, अब आप भी जानते हैं सचिन तेंदुलकर को कॉस्टिंग के बारे में सी भी नहीं पता होगा, सीए के बारे में सी ए उल्टा क्यों है शायद इतना भी नहीं पता हो, बिकॉज ही इज़ नॉट प्रॉपरली एजुकेटेड, वी ऑल नो दिस फैक्ट। कई लोग एजुकेटेड कहते हैं, कई एजुकेटेड कहते हैं, कोई फर्क नहीं। नाउ द पॉइंट इज, उसको नहीं मालूम, लेकिन अगर वो मेरे साथ खड़ा हो जाएगा, बिलीव मी आप लोगों के लिए मैं बहुत बड़ा आदमी बन जाऊंगा, मैं बहुत अच्छा टीचर बन जाऊंगा, मैं बहुत सब कुछ हो जाऊंगा विदाउट हैविंग एनी एज, मैं अपने आप अच्छा हो जाऊंगा। तो आपने कहा बिजनेस में ये चीज लगानी पड़ती है, हमें जो हमारे इन्फ्लुएंसिंग पीपल होते हैं ना उनके साथ घूमना पड़ता है, ये इन्फ्लुएंस क्रिएट करता है। दूसरा, रेफरल लेते हैं। रेफरल में क्या होता है, वर्ड ऑफ माउथ, आप मेरे को रेफर करोगे, आप मेरे स्टूडेंट हो डेफिनेटली आप मेरे को रेफर करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स आप लोग रेफरेंस से आते हैं, बहुत प्यार मिलता है मेरे को रेफरेंस से, लेकिन रेफरेंस सिर्फ डायरेक्ट कस्टमर के द्वारा नहीं होता, मैंने आपको बताया था। रेफरेंस कई बार क्या होता है, नॉन कस्टमर से भी होता है। जैसे मैंने आपको समझाया था, जब आप सीए करेंगे तो आप रेफरेंस लें लॉयर से, देखो दोनों के क्लाइंट एक हैं। अगर आप ध्यान से सोचें, दोनों के क्लाइंट एक ही हैं। हमारे जितने सीए फ्रेटर्निटी है वो बेवकूफ है, बुरा मत मानना, उसमें बहुत कम समझदार लोग हैं। कायदे में जो समझदार है उनका बिजनेस चल रहा है, उनकी प्रैक्टिस चल रही है। क्यों? वो सोचते हैं ये सीडब्ल्यू है, ये मेरा दुश्मन है, ये मेरा काम छीन लेगा, ये लॉयर है ये मेरा दुश्मन है, ये इनकम टैक्स की भी कंसल्टेंसी दे सकता है, ये मेरा काम छीन लेगा। नहीं दोस्तों, बिल्कुल भी ऐसे नहीं सोचा जाता। जब बिजनेस किया जाता है ना, तो उनके साथ सोचा जाता है कि यार ये हमारा काम नहीं छीनेगा, दे आर गोइंग टू गाइड अस, रेदर नॉट गाइड अस, दे आर गोइंग टू रेफर अस। ऐसा कैसे हो सकता है, वो तो मेरा कॉम्पिटिटर है, वो तुम्हारा कॉम्पिटिटर है ही नहीं। लॉयर ज़्यादा से ज़्यादा इनकम टैक्स की कंसल्टेंसी दे सकता है, ऑडिट तो नहीं कर सकता, ऑडिट तुम्हारे पास ही है, वही क्लाइंट तुम्हारे पास आएगा, और तुम उस क्लाइंट से सिर्फ कंसल्टेंसी, ठीक है उसके पास है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें गेन कर सकते हैं। हाँ बात तो सही है सर, CWA कॉस्ट ऑडिट तो कर सकता है, स्टेटरी ऑडिट तो नहीं कर सकता, बड़ा क्लाइंट होगा तभी तो CWA के पास है, नहीं तो तुम्हारे पास, मतलब एक बात सोचो, CWA आपको भी मालूम है कॉस्ट ऑडिट
अच्छे खासे क्लाइंट्स पे ही होता है, तो आप उसको दोस्त क्यों नहीं बनाते? तो आप कहोगे दीज आर रेफरल बिजनेसेस। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने लिए थे। मैंने आपसे कहा था एक डॉक्टर और फार्मासिस्ट दोनों के बीच में रेफरल होता है, हम सब जानते हैं, होता है ना, आप सबको मालूम है। पैथोलॉजी वाले और डॉक्टर के साथ भी रेफरल होता है। डॉक्टर जानबूझ के उसी पैथोलॉजी पे भेजेगा जिस पे उसकी सेटिंग हो, भेजता है ना, बिल्कुल। आप अदरवाइज किसी बढ़िया से बढ़िया पैथोलॉजी से आप वो करा के लेके जाइए और वो रिजेक्ट कर देगा, कहेगा आप मैक्स में जाइए, एक काम करिए बढ़िया से बढ़िया पैथोलॉजी से आप अपने टेस्ट करा के लेके जाइए, वो रिजेक्ट कर देगा, कहेगा हमारी पैथोलॉजी से ही हम कराएंगे, हम इस पर भरोसा नहीं। रेफरल बिजनेस, ठीक है। अच्छा, अगला क्या है? इंटरनल बिजनेस। आपने कही इंटरनल बिजनेस क्या है, इंटरनल मार्केट क्या है? देखो, इंटरनल मार्केट बड़ा जरूरी है। हमारे जो क्लाइंट्स, हमारे जो स्टाफ है, अगर स्टाफ में और सप्लायर्स वगैरह में सब में हम लोग हार्मनी रखेंगे, सप्लायर अभी हटा देते हैं, अपने स्टाफ पे ही रखते हैं, गुड कल्चर, गुड टीम, गुड समथिंग, टीम हमारी हैप्पी तो बिजनेस हमारा हैप्पी, सीधी बात है। टीम हमारी हैप्पी तो बिजनेस हमारा हैप्पी, टीम हैप्पी नहीं तो बिजनेस हैप्पी नहीं, और वो भी तो रेफर करते ही हैं। तो अगर हमारी टीम अच्छी तो बिजनेस अपने आप आएगा। पुराने ज़माने में ट्रांजेक्शनल मॉडल माना जाता था, जिसे हम अब फॉलो नहीं करते, अब हम इसको फॉलो करते हैं। हम कहते हैं इस तरीके से मार्केटिंग करो, देखो ये सारी चीज़ें सही कर दोगे ना तो बिजनेस अपने आप बढ़ने लग जाएगा। अब आपने कहा कि सर कस्टमर मार्केट, ये क्या है कस्टमर मार्केट? देखो कस्टमर मार्केट क्या होता है, ध्यान देना, कस्टमर मार्केट क्या है, जो हमारी फर्म है वो सोच रही है मेरे करंट और प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स कैसे खींचे जाए। आप उसके लिए कई बार डिफरेंट स्कीम्स निकालते हैं, आप कहते हैं किसी तरह मेरे को कस्टमर लेके आना है, आप कहते हैं मेरे को कस्टमर को खुश रखना है, मुझे कस्टमर को हैप्पी रखना है। अ हैप्पी कस्टमर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो करंट हो चाहे प्रोस्पेक्टिव हो। करंट कस्टमर को भी छोड़ नहीं सकते, वो अपसेल, रीसेल, क्रॉस सेल में बड़ा काम में आता है, उसको आप छोड़ नहीं सकते। तो आप कहते हैं कस्टमर मार्केट, क्योंकि कस्टमर सर्वप्रिय है, कस्टमर इज द किंग, तो आपको उसको बड़ा ध्यान देना है, ये बात कही थी। रिक्रूटमेंट मार्केट, रिक्रूटमेंट मार्केट में मैंने आपको समझाया था, क्या समझाया था कि देखो आप सब जानते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है एक ऑर्गेनाइजेशन का, एक ऑर्गेनाइजेशन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है एम्प्लॉय, वो कहां से आता है। आपने कहा कि सर अगर हम अच्छी कंपनीज, जो हमारी अगर कंपनी है, अगर हम अच्छे इंस्टीट्यूशंस के साथ टाई अप कर लें तो वो हमें अपने अच्छे अच्छे कैंडिडेट्स देंगे थ्रू कैंपस रिक्रूटमेंट। और जब वो अच्छे एम्प्लॉयज आएंगे तो मेरा बिजनेस फ्लरिश करेगा। बात को समझिए, रिक्रूटमेंट मार्केट कुछ नहीं कह रहा, वो सिर्फ इतनी सी बात कह रहे हैं कि हमें अच्छे स्टाफ को रिक्रूट करना है, उसके साथ उसके लिए हमें यूनिवर्सिटीज वगैरह के साथ, ICA वगैरह के साथ टाई अप बनाना चाहिए, बिकॉज अ गुड एम्प्लॉय, अ स्किलफुल एम्प्लॉय इज रिक्वायर्ड टू डू एनी पर्टिकुलर जॉब। लास्ट, सप्लायर या अलायंस मार्केट। देखिए, याद रखिए, हमारे पास ऐसी सिचुएशन, सोचिए मैं पहुंचा गुड्स खरीदने, जॉनसन एंड जॉनसन का डब खरीद रहा था, जॉनसन एंड जॉनसन का आई बिलीव डब, और मैं पहुंचा कहां पे, मैं किसी भी स्टोर पे पहुंचा, मैं बिग बाजार पहुंचा, वहां देखा अरे डब ही नहीं, मैं डिससेटिस्फाई होऊंगा, मेरे पास और मैं किसी और जगह से जाके डब खरीद लूंगा शायद, या मैं कोई और सोप खरीद लूंगा, या शायद
मैं दोबारा बिग बाजार ना आऊं क्योंकि आप मुझे टाइमली गुड्स नहीं प्रोवाइड कर रहे। तो आपका जो सप्लायर के साथ अलायंस होना चाहिए ना, वो इस तरीके से होना चाहिए, बहुत ही हेल्थी रिलेशनशिप होना चाहिए कि सप्लायर को हमेशा पता रहे कि आपके पास कब गुड्स की नीड है। और याद रखिए, सप्लायर के साथ प्रॉपर रिलेशनशिप मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। ये बात मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ, ये चीज़ तो हमने पहले भी सीखी थी कि सप्लायर बड़ा इंपॉर्टेंट पर्सन होता है, ठीक है। वो हमें कई बेनिफिट देता है, बेटर क्वालिटी दे सकता है, कई चीज़ें दे सकता है, तो सप्लायर के साथ रिलेशनशिप बहुत ज़रूरी है। इसके बाद हमने समझा था कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट को कि CRM क्या होता है। मैंने आपको बताया कस्टमर का बिहेवियर एनालाइज करना। अब आपने कहा कस्टमर का बिहेवियर कैसे, हमें जैसे कस्टमर की अकाउंट प्रॉफिटेबिलिटी सोचनी होती है। आपने कहा ये कस्टमर अकाउंट प्रॉफिटेबिलिटी क्या है। कस्टमर अकाउंट प्रॉफिटेबिलिटी का मतलब हमें ये सोचना है कि कस्टमर अपनी पूरी लाइफ साइकिल में कितना कमा के देगा हमें, उस पर क्या एक्सपेंडिचर आएगा हमारा। क्योंकि अगर आपको याद हो कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस का मैंने केस सिखाया था, हार्डवुड का केस दिखाया था मैंने आपको, जो इंग्लैंड एंड वेल्स में पब्लिश हुआ था, जहां हमने पाया था जो हमारा सबसे बड़ा कस्टमर था वो सबसे ज़्यादा लॉस मेकिंग कस्टमर था ना। तो हमें क्या करना है, हमें ये बात समझनी पड़ेगी कि यार कस्टमर की प्रॉफिटेबिलिटी को प्रॉपरली एनालाइज करिए। ये भी एनालाइज करिए कि आफ्टर ऑल कस्टमर किस सेगमेंट में है, कस्टमर कौन सा रेगमेंट में लगा, एक एक चीज एनालाइज करिए कस्टमर के बिहेवियर की, कस्टमर के प्रॉफिटेबिलिटी की एक एक चीज। नॉर्थ में अगर आप नाइकी हैं, नॉर्थ इंडिया में आप क्या सेल करेंगे, जो गुड्स हॉकी से रिलेटेड है। ईस्ट इंडिया में क्या सेल करेंगे, जो गुड्स फुटबॉल से रिलेटेड है। और पूरे इंडिया में क्या सप्लाई करेंगे, जो गुड्स आपके क्रिकेट से। ऑल्दो इट इज़ रॉन्ग टू गो हैड विथ क्रिकेट, मेरे को बिल्कुल अब ऐसा फील होने लगा है कि हम बहुत गलत करते हैं क्रिकेट को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली प्रमोट करके, लेकिन जो है सो है। लेकिन पूरे इंडिया में इस समय क्रिकेट सबसे ज़्यादा चलता है। तो आपने कहा कि ठीक है सर, और एलिमिनेट कर देंगे या रीअलाइन करेंगे जो सेगमेंट्स मेरे लिए प्रॉफिटेबल नहीं हैं, उनके ऊपर वर्कआउट करेंगे। जैसे मैंने बैंक का एग्जाम्पल दिया था, मैंने आपको समझाया था बैंक के केस में जो इंस्टीट्यूट ने अपनी स्टडी मटेरियल में डाला है, अगर आप ध्यान से देखें बैंक के केस को, यहाँ पे इंस्टीट्यूट ने अपना केस डाला है कि प्लेटिनम कस्टमर्स जो होते हैं क्रेडिट कार्ड वगैरह के केस में, वो सबसे प्रॉफिटेबल कस्टमर्स होते हैं बैंक के अंदर भी, जैसे हम HNI या HNWI कहते हैं, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल। और लीड कस्टमर्स वो कस्टमर्स होते हैं जो किसी काम के नहीं होते, सिर्फ क्वांटिटी में ज़्यादा होते हैं, वो हमारे लिए किसी फ़ायदे के नहीं है, वो रादर नुकसान ही दे रहे होते हैं क्योंकि हमारे को उस पर बहुत कॉस्ट लग जाती है, ठीक है ना। फिर हमने समझा था कुछ चीज़ों में हमें सिलेक्शन, एक्विजिशन, रिटेंशन, एक्सटेंशन में बड़ा ध्यान देना चाहिए। कैसे, मैंने आपको समझाया था दोस्तों, कौन सा कस्टमर कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा। एक्विजिशन मतलब कैसे मिलेगा, कैसे एक्वायर करें। नाइकी अगर कह रहा है मुझे पंजाब की साइड हॉकी के कस्टमर मिलेंगे, तो टारगेट उसको इस तरीके से बनाना पड़ेगा, अच्छा पंजाब में नाइकी के ये वाले प्रोडक्ट बिकेंगे। अब इसे एक्वायर कैसे करें, कैसे वो कस्टमर हमारे पास आए ना कि कॉम्पिटिटर्स के पास। उसके बाद उसको रिटेन कैसे करें, रिटेन में बड़े इंपॉर्टेंट होता है कि रिटेन करना, नहीं तो कस्टमर फिर से कहीं और चला जाएगा, एडिडास पे चला जाएगा नाइकी छोड़ के। लास्ट एक्सटेंशन, नाइकी ने मान के चलिए शूज़ सेल किए, अब नाइकी चाहता है शूज़ सस्ते बिके थे, वो चाहता है कोई अपसेल करे, अपसेल का मतलब एक्सपेंसिव प्रोडक्ट बेचे इसी को, क्या बेचे, एक्सपेंसिव प्रोडक्ट, ले भाई तेरे को एक्सपेंसिव प्रोडक्ट बेच रहा हूँ, हॉकी बेच दी, शूज़ सस्ते थे लेटर से, या पहले आके बंदे ने सिर्फ बॉल खरीदी थी, अब उसको हॉकी भी बेच रहे हैं आप सारी चीज़, तो आप उसको अपसेल कर रहे हैं। आपने कहा क्रॉस सेल, अगर कोई पर्सन आ रहा है, मान लीजिए वो कह रहा है कि यार हॉकी दे दो या कुछ भी दे दो, शूज़ दे दो, अब आप कह रहे हैं शायद ये कस्टमर
क्रिकेट भी खेलता हो, तो उससे हमने उसे और पिच करने शुरू किया और प्रोडक्ट्स के बारे में कि ये वाले शूज़ इस चीज़ के लिए हैं, या आप मान लीजिए अगर हिल पे जाते हैं तो ये वाले शूज़ पहनिए, आप रनिंग करते हैं तो ये वाले शूज़ पहनिए, साइकिलिंग करते हैं तो ये वाले शूज़ पहनिए, हॉकी खेलते हैं तो ये वाले, तो दैट सो व्हाट यू आर डूइंग, यू आर क्रॉस सेलिंग योर प्रोडक्ट. व्हाट यू आर डूइंग इज यू आर क्रॉस सेलिंग योर प्रोडक्ट, दिस इज व्हाट यू आर डूइंग. रीसेल, जूते फट गए तो दोबारा बेचो, तो उसको जब अंदाजन जूते फटने लग जाएंगे तो आपके कंपनी की साइड से एक मेल जाना चाहिए, एक कॉन्टैक्ट जाना चाहिए कि आपके जूते सही चल रहे हैं, सही नहीं चल रहे तो बताइए, हम आपको डिस्काउंट पे दोबारा बेच दे रहे हैं. रीसेल कहते हैं इसको, ठीक है. अच्छा, आपको पता ही है यूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मैंने आपको सिखाई दिया, ब्रांड स्ट्रेटजी, ब्रांड तो बड़ी ज़रूरी है. अच्छा, आपने कभी नोटिस किया है डाबर बहुत बड़ा ब्रांड है, मजाक तो नहीं कर रहा, पतंजलि बहुत बड़ा ब्रांड है, पतंजलि में और जॉनसन एंड जॉनसन में क्या अंतर? अच्छा, जॉनसन एंड जॉनसन हर प्रोडक्ट के लिए अलग ब्रांड पॉपुलराइज करता है, पता है क्यों? कभी सोचा है क्यों? पतंजलि हर चीज के लिए एक ही ब्रांड लेके चल रहा है, नेस्ले हर प्रोडक्ट के लिए अलग ब्रांड ले रहा है, वो मैगी को अलग प्रमोट कर रहा है, किटकैट को अलग कर रहा है, हर किसी चीज का प्रोडक्ट का ब्रांड अलग बना रहा है. तो ब्रांड की स्ट्रेटेजी क्या है, मेरे को समझ में नहीं आया. लोगो बना दिया, चलो स्पेसिफिक कलर लगा दिया, डिजाइन डिस्टिंक्ट बना दिया, लेकिन क्यों ये कुछ केस समझ में नहीं आया. पतंजलि जिस दिन डूबेगा पूरा एक साथ लेके डूबेगा, पूरी शिप डूबेगी. मैगी डूबी तो नेस्ले नहीं डूबा, मैगी का सारा बिजनेस डूबा. ठीक है, नेस्ले का बहुत मेजर पोर्शन मैगी के साथ था, ये भी हम जानते हैं कि बहुत चालाकियां की गई मैगी के अगेंस्ट, बहुत बदमाशियां की गई मैगी के अगेंस्ट, अल्टीमेटली कोर्ट ने रूलिंग मैगी के फेवर में दी, जानबूझ के पूरा एक महकमा उसके अगेंस्ट छोड़ दिया गया, और मैं बोलना नहीं चाहता, आप भी जानते हैं किस तरीके से, ताकि बाकी प्रोडक्ट्स चल सकें. अगर कोई चीज़ ख़राब थी आप उसके साथ वर्कआउट करते, आपको इतने साल से नहीं दिख रहा था, अचानक दिखा एकदम, अचानक बैंक के एक ओवरनाइट, दिस वॉज रॉन्ग, तो आपने उसको अपॉर्चुनिटी बींग हर्ट भी नहीं दी थी, तभी तो हार गए थे सब जगह केस. तो आपने कहा कि सर ब्रांड स्ट्रेटेजी जो है, मैगी डूबी तो पूरा नेस्ले ने डूबा, तो हमें हर चीज सोचनी पड़ेगी कि कस्टमर के साथ कैसे ब्रांडिंग करें, ठीक है. और लास्ट SLA, सप्लायर के साथ, भाई साहब सप्लायर हो या इंटरनल दूसरी डिवीजन हो, हमें एक अग्रीमेंट करना पड़ता है. कई तरीके के अग्रीमेंट होते हैं, एक PSA होता है, PSA मतलब प्रोडक्ट एंड सर्विस एग्रीमेंट. जैसे आप कोई गुड्स खरीदते हो तो उसके साथ एक छोटी सी स्लिप आती है, उसमें लिखा होता है ये वारंटी है, ये है वो है, आप देखते भी नहीं फेंक देते हो, मैं भी फेंक देता हूँ, आप भी फेंक देते हैं, आता है ना टर्म्स एंड कंडीशन, पता नहीं क्या क्या लिखा पड़ा होता है, उसको कहते हैं PSA. और SLA क्या है? SLA मतलब आप दो डिपार्टमेंट, दो डिवीजन या कोई भी आपस में अग्रीमेंट में आ रहा है कि भैया देख मैं तेरे से काम करा रहा हूँ. ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ये टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, इट इज अग्रीमेंट. ऑल अग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट, यू मस्ट बी अवेयर अबाउट दिस, यू मस्ट हैव रेड अबाउट कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. इसमें क्या है, इट मे बी बाइंडिंग बाय लॉ, इट मे नॉट बी बाइंडिंग बाय लॉ, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन. इसमें हम टाइम टू टाइम इसको अपडेट करेंगे कि यार देखो सिचुएशन चेंज हो गई है पहले से, अब इसको अपडेट कर लेते हैं. हर 2-3 महीने बाद हमारी मीटिंग हुआ करेगी, हम डिसाइड करेंगे. ये हम अपने वेंडर के साथ भी कह सकते हैं, सप्लायर के साथ भी कह सकते हैं, हम दूसरे डिपार्टमेंट के साथ भी कह सकते हैं. ये एक पर्टिकुलर दूसरे पे बाइंडिंग बनाने के लिए, एक थोड़ा सा फोर्स डालने के लिए हम एग्रीमेंट करते हैं, दैट इज़ नोन एज SLA. और लास्ट, आप भी जानते हैं हमने एप्पल वगैरह की आउटसोर्सिंग सीखी थी, मैं यहाँ पर रिपीट नहीं कर रहा, ठीक है. एप्पल वगैरह किस तरीके से, मतलब पूरे सप्लाई चेन मैनेजमेंट सीखी थी मैं यहाँ पे, वॉलमार्ट की एप्पल की थोड़ी बहुत हमने देखी थी, आपने क्रॉस टॉकिंग भी देखा था, वो सब मैं यहाँ डील नहीं कर रहा. लास्ट में आ रहा हूँ गेन शेयरिंग. आई होप आपको याद होगा मैंने आपको बहुत अच्छे से गेन शेयरिंग सिखाया था, बहुत अच्छे से. और मैंने गेन शेयरिंग के साथ आपके साथ क्या किया था, अगर आपको याद हो, मैंने आपको पूरा टिम थॉम्सन की वो पढ़वाया था. उसमें मैंने आपको पूरा समझाया था गेन शेयरिंग के बारे में, ठीक है. तो क्या क्या समझा था हमने गेन शेयरिंग के बारे में उसमें हमने तो सर बहुत सारी चीज़ें सीखनी थी.
कि हम सप्लायर के साथ इस तरीके से एग्रीमेंट में आ गए कि हमारे पास आज पैसे नहीं है, भाई देख काम करता है तो ठीक, तू शुरू में अपने पैसे निकाल ली जितनी तेरी कॉस्ट थी, उसके बाद जब तेरे पैसे निकल जाएं फिर जो अर्निंग होगी ना उसको हम शेयर कर लेंगे। तो सप्लायर ठीक है कहता है कि चलो यार इस तरीके के एग्रीमेंट के साथ हम एंटर कर सकते हैं, सोचा जा सकता है। दिस वॉज गेन शेयरिंग। Subscribe to our YouTube channel and hit the bell icon for never missing latest videos.